पकौड़ों से भी ज़्यादा टेस्टी ये ब्रेड और बेसन का कम तेल में बना नाश्ता, बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। आज हम मिलकर बनाएंगे ब्रेड बेसन टोस्ट, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक चटपटी सी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है धनिया, तो रफली चॉप धनिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, काफ़ी सारा है ये, तो क्वांटिटी आप जितना चाहें ले लें। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। यहाँ मेरे पास है लहसुन, लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालें, नहीं तो नहीं। इसमें डाल देंगे कुछ मिर्ची। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहें तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी और इसको पीस के हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये चटनी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आइए अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए हैं। इनको बस हल्का सा मैश कर दिया है। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, तो प्याज ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक क्योंकि हमने चटनी में भी डाला है और हम बेसन के घोल में भी डालेंगे, तो नमक थोड़ा देख के डालें। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें, तो इस तरह से दबा के मिक्स करें जिससे कि मिक्सचर जो है वो एकसार हो जाए। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई और भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, आप पनीर की कर लें, मिक्स वेज की कर लें, पर मैंने देखा बेसन के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आज आलू की स्टफिंग की है। ये देखिए स्टफिंग मैंने तैयार कर लिया, हम इसे साइड में रखेंगे और आइए बेसन का घोल बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आधी टीस्पून के करीब अजवाइन या कैरम सीड्स, 1/4 टीस्पून टर्मरिक या हल्दी पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें थिक बैटर बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, तो स्मूथ और थिक बैटर चाहिए हमें। तो देखिए मैंने एक बैटर तैयार कर लिया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, 2-3 मिनट तक व्हिप करेंगे, इससे जो हमारे टोस्ट हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए बेसन का घोल भी तैयार है, इसको साइड में रखेंगे और टोस्ट को अब हम असेंबल करेंगे। टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर आज मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप ब्राउन या व्हाइट कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि मैंने गोल काटा है, गोल काटने से वैसे बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आप इनको नॉर्मल ट्रायंगल काट सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर हम ये स्टफिंग रख देंगे अच्छे से और चारों तरफ टोस्ट के ऊपर फैला देंगे कुछ इस तरह से, तो थोड़ा दबा दें इसको जिससे कि स्टफिंग सेकते समय बाहर ना आए। तो स्टफिंग जो है अच्छे से स्टिक हो गई है ब्रेड के ऊपर। इसके ऊपर हम ये अपना बेसन का मिक्सचर डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालें सेंटर में और स्पून से इसको चारों तरफ फैला दें। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं सारे टोस्ट असेंबल कर लूँगी, उसके बाद हम इनको सेकेंगे। इनको सेकने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन गरम किया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और हम इस टोस्ट को बेसन वाली साइड नीचे करके इस तरह से डाल देंगे। गैस की फ्लेम को रखना है हमें मीडियम और इसको हम सेकने देंगे। इसी तरह से मैं बाकी के टोस्ट भी पैन पे डाल दूंगी। ये देखिए मैंने सारे टोस्ट रख दिए हैं इस पर। इसको नीचे से एकदम हमें क्रिस्प करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सिकने में, इनको आप अच्छे से सिकने दें। इनको हम हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे जिससे कि बेसन अच्छे से कुक हो सकेगा। नीचे से थोड़े से सिक चुके हैं, हम इनके ऊपर बटर लगा देंगे, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, मैंने इन सब पे बटर लगा लिया है। इनको हम पलट देंगे, इस साइड से देखिए अच्छे से कुक हो चुके हैं ये, और अब हमें दूसरी साइड से भी एकदम क्रिस्प करना है इनको, तो धीमी आंच पे सेकें जब तक ये नीचे से एकदम क्रिस्प ना हो जाए। ये देखिए हमारे टोस्ट एकदम क्रिस्प हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको सर्व कैसे करना है। मैं इनको सर्विंग प्लेट में निकाल दूंगी। इनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चटनी लगाएंगे जो कि हमने पहले बनाई थी, तो आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चटनी खाना पसंद ना करें, पर चटनी से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमें चटनी को इस तरह से फैला देना है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा। इनको हम गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरा धनिया, प्याज और टमाटो के साथ। तो ज़रूर ट्राई करें आप ये आलू बेसन के टोस्ट, बहुत ही क्विक होते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।